चौथी चीज जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, जिससे उनकी फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है, वो तुम्हें मिलेगी। सोचो अगर तुमने इतने सारे पैसे खर्च करके आईफोन लिया लेकिन फिर भी उसके अंदर फोटो नोकिया 3310 जैसी आती है, तो क्या फायदा तुम्हारी किडनी के बलिदान का। तुम्हारे इसी बलिदान की लाज रखने के लिए 5 ऐसी बढ़िया वाली सेटिंग्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आईफोन के अंदर। चलो 5 नहीं 6 बता दूंगा, बस दुआओं में याद रखना। सबसे पहले अपने आईफोन के कैमरा ऐप को खोल के फोटो वाले मोड में स्वाइप अप करोगे तो ये इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से हमें सिलेक्ट करना है ये UFO जैसे दिखने वाला ऑप्शन, लाइव फोटोज। अगर तुम चाहते हो कि जब तुम फोटो खींच रहे हो तो फोटो के साथ साथ 1-2 सेकंड का माहौल भी कैप्चर हो जाए कि फोटो खींचते टाइम बैकग्राउंड में कौन सा गाना बज रहा था, कौन उल्टी कर रहा था, तो इसके लिए लाइव फोटोज एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बेसिकली लाइव फोटोज में एक शॉर्ट वीडियो बन जाती है जो प्ले होगी जब तुम उस फोटो को प्रेस एंड होल्ड करोगे। बढ़िया ऑप्शन है लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रखना बेटर है क्योंकि उससे नॉर्मल फोटो क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं आती, तो लाइव फोटोज तभी खींचना जब जरूरत हो। अगली ट्रिक अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को आसमान तक ले जाने के लिए है लाइव के जस्ट साइड वाला ऑप्शन, फोटोग्राफिक स्टाइल्स। हाँ, वही वाला बटन क्लिक करना है जो ऐसे लग रहा है कि 3 ब्रेड के टुकड़ों के ऊपर एक टेढ़ा फ्रेंच फ्राई रख दिया हो। तो पहली बात तो यह कि फोटोग्राफिक स्टाइल्स और फिल्टर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को एक मत समझ लेना भाई। फोटोग्राफिक स्टाइल्स में अलग अलग मोड्स हैं जिसमें वो टोन और वार्म्थ से खेलते हैं। 5 मोड्स हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज होती है टोन और वार्म्थ की। अगर तुम्हें फोटो खींचते टाइम एक थोड़ी सी अलग वाइब या एक मूड चाहिए तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है क्योंकि फिल्टर्स के साथ पता है क्या दिक्कत है, वो बिल्कुल ही कलर्स को चेंज कर देते हैं और साफ साफ दिखता है कि भाई बंदे ने फिल्टर लगा रखा है। अगर फोटो खींच के उसके ऊपर फिल्टर ही लगाने हैं तो इससे अच्छा स्नैपचैट से ही फोटो खींच लो। लेकिन फोटोग्राफिक स्टाइल से एक बहुत ही नेचुरल और अच्छा इफेक्ट आता है। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कि भाई ने पैसे खर्च करके आईफोन लिया है, और तुम टोन और वार्म्थ को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो एक फिल्टर के अंदर जाके, तो बढ़िया चीज है। लेकिन एक टिप मैं तुमको बताता हूं, चाहे तुम्हारा एंड्रॉइड फोन हो, चाहे आईफोन हो, चाहे विंडोज भी हो, इस ट्रिक को फॉलो करके तुम सबकी फोटोग्राफिक स्किल्स एक एक लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगी सब्सक्राइब करके। अगले ऑप्शन का यूज करके तुम अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज के अंदर फोटोज खींच पाओगे। अगर तुम एक ही तरह की फोटोज खींच के बोर हो गए हो तो ये बहुत रिफ्रेशिंग चीज है। 3 मोड्स हैं इसके अंदर, एक तो अपना बेसिक 4:3, फिर एक 1:1 यानी स्क्वायर, फिर एक है 16:9। अगर तुम एक सिंगल लौंडे हो और तुम चाहते हो कि तुम इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक बन जाओ जिसके बाद तुम्हें मादाओं के DM आए, तो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही बढ़िया चीज है फोटो खींचने के लिए क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो स्टोरी होती है वो 16:9 में ही होती है। लेकिन थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है 16:9 में क्योंकि वो नॉर्मल फोटो को ही क्रॉप करता है। जो तुम नॉर्मल फोटो खींचोगे वो 12 मेगापिक्सल की आती है, लेकिन 16:9 या फिर स्क्वायर के अंदर वो सेम पिक्चर 9 मेगापिक्सल की बन जाती है। लेकिन एक बार ट्राई करना तो 100% बनता है भाई। चौथी चीज जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं जिससे उनकी फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है, वो तुम्हें मिलेगी सेटिंग्स के अंदर जाके, कैमरा सेटिंग्स के अंदर जाके फॉर्मेट्स में। यहां पे तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाई एफिशिएंसी और मोस्ट कंपैटिबल। अब अगर तुमने ऑप्शन पहली बार खोला है तो ये बाय फॉल्ट हाई एफिशिएंसी पे सेट हुआ हुआ होगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने आईफोन से एकदम बेस्ट ताबड़तोड़ क्वालिटी चाहिए तो इसको मोस्ट कंपैटिबल पे सेलेक्ट कर दो। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद तुम्हारी फोटोज और वीडियोस जितनी भी तुम खींचोगे उन सबका फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मेरी तरह तुम्हारे भी तेल के कुएं नहीं है और तुम एक विंडोज लैपटॉप यूज करते हो तो मोस्ट कंपैटिबल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब तुम उन फोटोज को अपने विंडोज PC या लैपटॉप में ट्रांसफर करोगे तो उनकी क्वालिटी एकदम परफेक्ट रहेगी, बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मैक है तो उसको हाई एफिशिएंसी पे सेट रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल टू एप्पल ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं होती क्वालिटी गिरने की। अब ऐसी जिंदगी जहां पे 10 मिनट के अंदर खाना घर पे आ जाता है और BT 2 मिनट में हो जाती है, वहां पे स्लो मोशन बड़ा जरूरी है। तो स्लो मोशन वीडियो को एकदम बेस्ट क्वालिटी में शूट करने के लिए यहां पे कुछ अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं। जहां पे आप अपनी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर वहां पे बढ़िया उजाला है, एकदम सूरज के टुकड़े के नीचे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप 240 FPS चूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में 120 FPS ही बेस्ट ऑप्शन रहता है, चाहे आप थोड़ी लो लाइट में शूट कर रहे हो या फिर आप अपने कमरे के अंदर बैठ के पंखे का स्लो मोशन बना रहे हो। अब नल्ला आदमी और क्या ही करेगा, कितनी रैंडम चीजें करते रहते हैं ना हम लोग घर पड़े पड़े। और छठी यानी लास्ट टिप जो आपकी फोटोग्राफी स्किल्स को सेंट्रल दिल्ली जितना सुंदर बना देगी, होए राजमा चावल। सेंट्रल यानी सेंटर, तो अपनी सारी फोटोज की सिमेट्री को एकदम सेंटर में रखने के लिए आप ऑन कर सकते हो ग्रिड। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज की फोटो ले रहे होते हो और फोटो खींचने के बाद पता चलता है कि भाई जिस चीज की फोटो ले रहे थे वो तो सेंटर में ही नहीं थी। तो ग्रिड ऑन करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को एकदम सेंटर में तो रख ही सकते हो, लेकिन काफी सारी फोटोग्राफिक ट्रिक्स भी होती हैं जो तुम ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड्स, जिसमें अपने सब्जेक्ट को एकदम सेंटर में ना रख के लेफ्ट वाली या राइट वाली लाइन पे रखते हैं, जिससे ओवरऑल शॉट बहुत बेटर हो जाता है। चलो भाई अब मैं भी चलता हूँ किसी की शादी में फोटोग्राफर बनने, फ्री का खाना भी मिल जाएगा।